ओम शांति। 15 मई 2020 साकार मुरली का सार है, मीठी बच्ची तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो और माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फिरा देती है। अनेक तूफान लाती है, उन तूफानों को पार करना है, उन सभी तूफानों को क्या करना है, पार करना है। यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े, निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया का अंत है, बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं, हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है, वरदान है। निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भाव, सबके प्रति सबको सहयोग देना है, सबको सहारा देना है कि कैसे वो अपना हक अपने बाप से ले लेवे। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं, सदा खुशी में नाचते हैं। वो अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, किसी को ये नहीं कि उसको गिराया जाए, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं, व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है, ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते। क्या बन जाते? मास्टर सहारे दाता बन जाते। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं, सफलता मूर्त हैं। ओम शांति।